डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। दिस इज़ अबाउट द करियर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ ऑल अबाउट विच टाइप ऑफ करियर यू कैन सेलेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर हाईली स्किल्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। And the basic responsibilities of software engineers are system analysis, design, implementation, and testing of computer software. Now, what is a computer software? You all know it very well. Computer software basically is the program written in any programming language. और इसका कुछ पर्पस होता है। ये हम इसको किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सॉफ्टवेयर होता है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर रिजल्ट वापस देता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है? टू इंजीनियर अ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट स्टेप उसका क्या है? सिस्टम एनालिसिस। मींस अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वहाँ पे किस टाइप, हम बेसिकली करंट सिस्टम को स्टडी करना कि करंटली कहाँ काम वहाँ कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम बेसिकली है क्या जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ये फेज़ जो है दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। एंड देन डिज़ाइन, जब हम प्रॉब्लम पता चल जाता है और हम उसके सॉल्यूशंस सोच लेते हैं, देन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर को की डिज़ाइनिंग, जैसे हम एक घर को बनाने के टाइम पे उसको पहले उसका एक मैप बनाते हैं, इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। ठीक है, उसमें किस टाइप का डेटा एंटर होगा, डेटा और उसके जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं वो उनका इंटरेक्शन आपस में कैसे होगा, एंड देन आउटपुट क्या होगा, और ये सब सब कुछ किस तरह से वर्क करेगा, उसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग। राइट, नेक्स्ट फेज इज़ इम्प्लीमेंटेशन, मींस टू डेवलपमेंट। डिज़ाइन और एनालिसिस के बेस पे कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड देन टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, मींस टू टेस्ट कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, हमने जो बताया था पहले एनालिसिस और डिज़ाइन फेज में कि ये इनपुट होगा, उसका रिक्वायर्ड आउटपुट ये होगा, वो रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रामर एंड सेकेंड वन इज़ सिस्टम एनालिस्ट। प्रोग्रामर बेसिकली कौन होता है? हु राइट्स प्रोग्राम्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बिजनेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो प्रोग्रामर कौन होता है? जो उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग करता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और किस बेस पे? जो उसको एनालिसिस और डिज़ाइन फेस के थ्रू उस तक पहुंचती है इंफॉर्मेशन, उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रोग्रामिंग करता है बेसिकली। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वेब डेवलपर होता है कोई, वो वेबसाइट्स डेवलप करेगा, कोई डेटाबेस डेवलप करने वाला जो प्रोग्रामर होगा वो डेटाबेस का एक्सपर्ट होगा, जो डिफरेंट टाइप्स को जो भी सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उसमें हर ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्रामर जो हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। कुछ बहुत हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स होते हैं जो हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स हैं, गेम्स हैं। प्रोग्रामर्स डिफरेंट एक्सपर्टीज के होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के लिए। ठीक है, देन सेकेंड वन इज़ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट को थोड़ा सा हम पहले भी देख चुके हैं, जो क्या करता है? एनालिसिस करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले। सिस्टम एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट्स प्रॉब्लम्स, प्लान्स सॉल्यूशन एंड रिकमेंड्स द टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। अब सिस्टम एनालिस्ट का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एनालिसिस गलत होगा तो ऑब्वियसली फिर सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन और उसकी कोडिंग और सब कुछ गलत होगा।
ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका जो ऑलरेडी सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन वहाँ हुई भी है, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं भी, तो उनको कन्वर्ट करना होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ऑलरेडी मैनुअल काम हो रहा है। ठीक है, कोई भी केस हो उसमें सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट जो है वो एनालिसिस करता है कि बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है क्या, जिसके बेस पे हमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस लानी पड़ रही हैं या हमें नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। उसके अकॉर्डिंग वो बेसिकली देखते हैं ना करंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन प्लान करता है कि हमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब सोल्यूशन प्लान करने में ये भी होता है कि क्या इनपुट्स होंगे सॉफ्टवेयर को, क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा और आउटपुट क्या देगा, और फिर उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इस सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब काम कौन करता है? सिस्टम एनालिस्ट। तो जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें सिस्टम एनालिसिस फेज जो है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इट टेक्स फ्यू मंथ्स समटाइम्स। ठीक है, तो अगर सिस्टम एनालिसिस ठीक होगा तो उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट ठीक होगी, अदरवाइज उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो सिस्टम एनालिस्ट की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड सिस्टम एनालिस्ट आर हाईली पेड पीपल। सॉफ्टवेयर की बात की थी, नेक्स्ट कम टू द हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर, दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोसेसर, सर्किट बोर्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर के सब बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है कि ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो जो द पर्सन हु नोज द अबाउट द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हु कंप्लीट्स हिज डिग्री इन कंप्यूटर अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, वो हार्डवेयर इंजीनियर होता है। ठीक है, उसको इन डेप्थ नॉलेज होता है कंप्यूटर के पार्ट्स का, प्रोसेसर जो उसका कंप्यूटर का बेसिकली मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फिर देन सर्किट बोर्ड्स मीन्स जो सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू सर्किट्स, थ्रू वायर्स। तो बेसिकली कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मेंटेनेंस का काम हार्डवेयर इंजीनियर्स करते हैं। नेक्स्ट कम्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, कन्फिग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। नेटवर्क क्या होता है? टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, डेटा एंड दे कैन शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना फिजिकली एंड देन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जिसके थ्रू सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर सकें, ये काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। देन नेक्स्ट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस? फर्स्ट, डेटाबेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, एक टाइप का डेटा एक जगह पर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप नादरा की, नेशनल डेटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, पूरे पाकिस्तान के लोगों का पर्सनल डेटा उनके पास है। ये क्या है? एक दिस इज़ अ बिग एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस। अगर हम अपने कॉलेज की एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे डेटाबेस अगर हम क्रिएट करें तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी? स्टूडेंट्स का की इन्फॉर्मेशन, जो टीचर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, क्लास फोर के एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट के लोगों की इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज वे में टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन सेव होगी, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन होगी और जो एक जगह पे स्टोर होगी और उसको हम किसी भी कंप्यूटर से अपने कॉलेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, डेटाबेस बेसिकली क्रिएट करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। नेक्स्ट इज़ अ वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर ऑब्वियसली जो वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स इंटरेक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, यू ऑल नो अबाउट इट, और इसमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनी टाइप ऑफ डेटा कंबाइन करके हम ओवर द इंटरनेट वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और फिर हम उसे किसी सर्वर पे रखते हैं और फिर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनर वो है जो वेबसाइट्स को डेवलप करता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स आर पीपल हु ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्ट टू ईजी टू अंडर विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव इन मैनर यूजिंग टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियो एंड वीडियो एंड दे यूजली वर्क इन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज। आपने देखे हैं टीवी में एड्स देखे हैं, मूवीज़ में, गेम्स में आपने देखा है कि कैसे एक इंफॉर्मेशन या एक डेटा को, क्लिप को मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें साउंड इफेक्ट्स डले हुए होते हैं एंड एवरीथिंग। वो सब दिस फील्ड इज़ कॉल्ड मल्टी मीडिया डिज़ाइनर्स फील्ड। ठीक है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेके आना फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ मोस्टली। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। दिस इज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इज़ अ पर्सन हुज़ जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, मॉडिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रक्शन। आपको पता है कि आजकल हैकिंग और साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है कि किस लेवल की सिक्योरिटी हमें किस सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन डेटा एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस लेवल की सिक्योरिटी चाहते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसको जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करते हैं ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना मिले लोगों को। नेक्स्ट, कंप्यूटर टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कंप्यूटर टीचर ने इन सब लोगों को पढ़ाया नहीं होगा तो फिर दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, आई एम अ कंप्यूटर टीचर, दिस इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट कैरियर फॉर यू इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर टीचिंग यू अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट कम्स हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स। हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स आर क्लासिफाइड इंटू द फाइव पार्ट्स बेसिकली, इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। यू ऑल आर फेमिलियर विद मैनी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के पास इनपुट आएगी तो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, किस डिवाइस यूज़ करते हुए हम डिसाइड, हमने ये करना होता है कि हमने किस टाइप का डेटा इनपुट करना है, उसी टाइप की डिवाइस के थ्रू हम डेटा को इनपुट करेंगे। ठीक है, वी हैव मैनी इनपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन एंड टच पैड। जी, फर्स्ट वन इज़ कीबोर्ड, आप सब फेमिलियर हैं इससे। टेक्स्ट टाइप का डेटा अगर हमने कंप्यूटर में एंटर करना है तो यू वी हैव टू यूज़ कीबोर्ड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इसके बगैर काम करना मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है तकरीबन। ठीक है, तो कीबोर्ड्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लैपटॉप से बिल्ट इन होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड्स भी होते हैं और कनेक्टेड जो सिंपल डेस्कटॉप के साथ थ्रू वायर कनेक्टेड होते हैं कीबोर्ड्स। सेकेंड वन इज़ माउस। माउस यूज़ करते हैं, हैंडल डिवाइस है एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, और इस पर टू बटन्स होते हैं, ड्रैगिंग, सिलेक्शन ऑफ आइकॉन्स, इसके लिए हम यूज़ करते हैं माउस। नेक्स्ट वन इज़ जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। द लीवर यूजली इंक्लूड्स बटन्स एंड मेनली यूज फॉर कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स के लिए नॉर्मली जॉयस्टिक यूज़ होती है, PS4 वगैरह, PS2 आपने देखा होगा उसके साथ। तो इसके ऊपर बटन्स होते हैं, एक लीवर होता है जिसके मूवमेंट से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली गेम्स के लिए यूज़ होती है ये। देन माइक्रोफोन, आई एम यूजिंग माइक्रोफोन राइट नाउ टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। तो साउंड टाइप का डेटा कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन क्या करता है,
इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर. इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर. बेसिकली हमारी वॉइस के सिग्नल्स माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में जाते हैं और ये वहाँ एक हार्डवेयर होता है साउंड कार्ड जो कन्वर्ट करता है इन सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है इट अंडरस्टैंड्स एंड स्टोर्स डेटा इन डिजिटल फॉर्म. डिजिटाइज्ड फॉर्म मीन्स जीरो एंड वन की फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट कम्स स्कैनर. स्कैनर का काम बेसिकली क्या होता है, एक हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करना सॉफ्ट कॉपी में. आपको अपनी बुक में से एक आर्टिकल चाहिए, आपको अपने कंप्यूटर में सेव करना चाह रही हैं, आप क्या करेंगे, आप उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करेंगी, उसका इमेज जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में सेव हो जाएगा. ठीक है, तो मैगजीन्स, बुक्स और फोटोग्राफ्स वगैरह हम स्कैन कर सकते हैं, पिक्चर स्कैन कर सकते हैं. ठीक है, तो आजकल जो स्कैनर्स अवेलेबल हैं उसके साथ OCR सॉफ्टवेयर भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर. मीन्स पहले तो ऐसा होता था पुराने उसमें स्कैनर्स में कि हम अगर एक इमेज को स्कैन करते थे तो वैज़ अ पिक्चर कंप्यूटर में सेव होता था, लेकिन आजकल हमारे पास स्मार्ट स्कैनर्स अवेलेबल हैं जिसमें OCR होता है जो उस पिक्चर को टेक्स्ट जो उस पर जो टेक्स्ट होता है उसको रिकग्नाइज करता है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करता है ताकि हम उस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकें, चेंज भी कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट कम्स बारकोड रीडर. बारकोड रीडर आपने शॉप्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे देखा हुआ होगा, बहुत कॉमन है. इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द बारकोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस. दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर. बेसिकली बारकोड क्या होता है, आप जब किसी शॉप पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होता है. अब वो बेसिकली क्या होता है कि जब एक डेटाबेस क्रिएट होती है उस शॉप या उस शॉपिंग सेंटर जो होता है उसने उन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट करवाई भी होती है सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, किस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी पर यूनिट प्राइस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है. उसके अगेंस्ट उस प्रोडक्ट को एक बार कोड जनरेट कर दिया जाता है, एक पैरेलल लाइंस का कोड होता है. उस लाइन के कोड के अगेंस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन हर उसमें डेटाबेस में सेव हो जाती है कंप्यूटर पे, और जैसे ही बारकोड रीडर उसको रीड करता है वो बारकोड इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के पास जाती है जो उस कंप्यूटर में जिस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, डेटाबेस इंस्टॉल हुई होती है, तो उस बारकोड के थ्रू वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है थ्रू सॉफ्टवेयर. ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिजिटल कैमरा. आपको पता है डिजिटल कैमरा क्या होता है, आप पिक्चर्स बनाते हैं उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं थ्रू डिजिटल कैमरा, डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाती हैं पिक्चर्स. एंड टच स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन्स, मोबाइल फ़ोन्स टच स्क्रीन वाले होते हैं, लैपटॉप्स सब होते हैं हमारे पास, ये टच स्क्रीन भी एक इनपुट का तरीका है. ठीक है, टैबलेट्स भी हैं टच स्क्रीन वाले. देन टच पैड, लैपटॉप पे नॉर्मली टच पैड अवेलेबल होता है, माउस को की तरह से आप लैपटॉप पे टच पैड पे टच करके कर्सर को मूव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ड्रैगिंग ड्रॉपिंग एट्सेट्रा. नेक्स्ट कम्स सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. अगर हम सिंपल डेस्कटॉप सिस्टम्स को देखें तो उसमें जिसको आप CPU बोलते हैं वो बेसिकली सिस्टम यूनिट होता है, ये पूरा कंप्यूटर होता है. ठीक है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, उसको CPU कहना गलत है. ठीक है, अब सिस्टम यूनिट के अंदर मीन्स कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, बाहर तो उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके अलावा जो बाकी पूरा कंप्यूटर है वो क्या है, आपका सिस्टम यूनिट है. उसमें मेन फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड इज़ बेसिकली द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर्स, मेन मेमरी, मेनी आईसी चिप्स, कनेक्टर्स एट्सेट्रा. ऑल द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. ठीक है, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं लेकिन बेसिकली वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं. तो बेसिकली मदरबोर्ड वो बेसिक बोर्ड होता है, जैसे मदरबोर्ड, मदर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हाउस एज वेल. तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है, जो पूरे कंप्यूटर का मैक्सिमम हार्डवेयर जिसके ऊपर एम्बेड हुआ हुआ होता है, लगा हुआ होता है, प्रोसेसर भी जो बेसिकली कंप्यूटर का मेन पार्ट है, देन
मेमोरी, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वो भी उसके लिए भी स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, ये वाइट कलर की स्लॉट्स हैं। और इस तरह से सपोर्टिव सर्किटरी सारी, और साउंड कार्ड, और जो है वीडियो कार्ड, वो सब कार्ड्स मीन्स वो सर्किट बोर्ड्स भी यहीं पे लगे हुए होते हैं। तो ये कंप्यूटर के बीच में एम्बेडेड लगा हुआ होता है मदरबोर्ड, और हम बाहर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो केबल्स लगाते हैं वो भी सर्किट बोर्ड, ये इस मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होती हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन बोर्ड, मेन हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट कम्स माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आप ग्रेड 6 से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं। वॉट आर द माइक्रो प्रोसेसर्स? माइक्रो प्रोसेसर इज़ बेसिकली द मेन चिप ऑन द मदर बोर्ड दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, एंड यू कैन कॉल इट द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सिंपली प्रोसेसर। इट कंटेन्स कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स। नाउ वट इज़ ALU? हम अब इसके पार्ट्स देखते हैं CPU के। इसमें फर्स्ट वन इज़ ALU। ALU इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? तमाम अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। वट आर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ। एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं, या लॉजिकल कंपैरिजंस क्या होते हैं? वो ये होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन जैसे काम करता है, लॉजिक की बेस पे काम करता है। ठीक है, एक कप चाय का अगर गर्म है तो मैंने उसको हाथ लगाया तो कुछ सिग्नल्स मेरे ब्रेन से आएंगे, द टी इज़ हॉट, यू कांट ड्रिंक इट। ठीक है, अभी इसमें लॉजिक है। तो लॉजिकल, हम कंप्यूटर में लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए कौन सा पार्ट काम करता है? लॉजिकल पार्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। ठीक है, लेकिन ये खुद काम नहीं करता, हम जो पैटर्न्स, जो इंस्ट्रक्शंस इसको देते हैं उसकी अकॉर्डिंग ये लॉजिक्स डेवलप करता है, लॉजिक बनाता है। और बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर में कौन से होते हैं? एंड और नॉट, कि ये दो कंडीशंस और ये कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन डिसीजन विल बी दिस। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ फॉल्स देन डिसीजन विल, वॉट विल बी द डिसीजन। तो ये एंड और नॉट तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेशन हैं जो ALU परफॉर्म करता है। देन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड ALU। CU लोड्स प्रोग्राम्स इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, कि अभी किस मेमोरी के पार्ट से डेटा आएगा, प्रोसेसर किस पार्ट को मिलेगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजर का काम करता है। देन रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। ये कहाँ होते हैं? CPU के अंदर होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। और ये क्या होते हैं? दिस इज़ द टेम्परेरी मेमोरी जो CPU यूज़ करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है, टू और थ्री को, तो टू को एक रजिस्टर में रखेगा, थ्री को एक में, प्लस का साइन जो है उसको एक में, और देन उसको ऐड करके रिजल्ट एक रजिस्टर में रखेगा, एंड देन रिजल्ट वापस मेन मेमोरी में मीन्स रैम में जाएगा। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक काफ़ी है आज। इंशाल्लाह स्टोरेज डिवाइसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।